हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके बाय प्रदीप सर करंट अफेयर की क्लास में। ओके, आई होप यू ऑल वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरुआत करेंगे हम हमारी करंट अफेयर की आज की क्लास की। जैसे कि आपको पता होगा कि एग्जाम्स आने स्टार्ट हो गए हैं। जो पहले से बच्चे ये सोचकर बैठे थे कि इस अभी एग्जाम नहीं आएंगे, जैसे अभी जैसे वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, लाइक दिल्ली कॉन्स्टेबल का, SI का, RRB का, जैसे अभी फॉर्म्स आए थे, तो उनके अब 2-3 महीने में एग्जाम्स भी होंगे। तो तैयारी पर लग जाइए। आई नो कि जो बच्चे डेली रेगुलर जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी तैयारी तो बेस्ट चल रही होगी। और जो अभी कहीं ना कहीं ये सोच में बैठे हैं कि नहीं अभी बहुत टाइम है, तो बच्चे टाइम नहीं है, टाइम कब निकल जाए पता नहीं लगता। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है एग्जाम में, किसके, करंट अफेयर की। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम क्लास की बात करते हैं कि क्लास में क्या कुछ कैसे रहने वाला है, तो देखिएगा क्या कुछ रहेगा। सबसे पहले मोटिवेशन कोट, एक बेहतरीन सा विचार जो हमने देखा। देन आफ्टर डाउट सेशन आपका रहने वाला है, और उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे, लाइक अगस्त मंथ चल रहा है, जुलाई के हमने डेज डिस्कस किए थे। आई होप जो बच्चे, जिस बच्चे ने डेली देखी है उसको परेशानी नहीं हुई होगी। उसके बाद एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन, एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन की बात करें तो आपके रिवीजन बेस्ड रहेंगे। देन आज की करंट अफेयर, उसके बाद आज का होमवर्क क्वेश्चन। ओके, ये आपका रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम डाउट की बात करें तो एक बच्चे का डाउट था। डाउट ये था कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन है, नरेंद्र मोदी सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, उनको क्या है, उनके बच्चों अभी नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये हो गया, उनके क्या है बच्चों, अभी सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। कल की करंट अफेयर की न्यूज रही थी। सेक्रेटरी की बात करें तो प्राइवेट सेक्रेटरी। ओके, प्राइवेट सेक्रेटरी। और अगर हम ऐसे बात करते हैं बच्चों, तो इसको ऑलमोस्ट लिखा जाता है PS ऑफ PM, ठीक है। अब उस बच्चे का डाउट था कि मैम जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने अपॉइंट किया है? दूसरा था क्या कि मैम वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर अपनी जेब से उसे तनख्वाह देंगे? ऐसा कुछ था उस बच्चे का। तो बच्चे देखिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, जो अभी ये नियुक्त किए गए हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके अंडर ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वर्क करेंगे पीपल, तो उनके लिए क्या है, उन्हें सेक्रेटरी अपॉइंट करके दिया जाता है। अब प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें तो ये IAS ऑफिसर रहे होते हैं, या फिर बात करें IPS, IFS ऑफिसर, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल UPSC क्रैक कर जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, लाइक ये अगर बात करें बहुत पीछे के एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, तो बाय प्रमोशन हो ये उस सबसे जो ऊपर का जो औहदा होता है ना, जो IPS IAS लगते हैं, और जो सबसे ऊपर जाते हैं वो प्राइवेट सेक्रेटरी भी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर के, इंडिया के, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद इन्हें नियुक्त नहीं करता है, जो इन पर एक बॉडी स्पेशल पैनल बनाया होता है वो इन्हें नियुक्त करता है। और दूसरी बात उस बच्चे का था कि मैम इन्हें सैलरी, तनख्वाह क्या प्राइम मिनिस्टर अपनी जेब से देता है? तो नहीं बच्चे, ये क्या है, सोशल, अगर बात करें गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं अंडर प्राइवेट। अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर भी तो हमारे पूरे, अगर बात करें, देश को संभाल रहा है, कंट्री को संभाल रहा है, तो उन्हीं की सहायता के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट उन्हें एक सेक्रेटरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इतनी चीज आपको क्या है, याद रखनी है। और ये हाईएस्ट क्या होता है, अगर बात करें पोस्ट होती है, जो आपके IAS IPS ऑफिसर लगते हैं वही आगे जाकर ये बनते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम मूव करते हैं हमारे, सबसे पहले जो आपने डाउट सेशन क्लियर हो गया होगा, अब हम बात करते हैं अगस्त के सबसे इंपॉर्टेंट डेज की। तो देखिए बच्चों क्या कुछ रहा, जैसे जैसे धीरे धीरे याद करते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या करना है, 4-5 दिन देखिएगा, ऐसे ही देखिएगा, मैं पढ़ा रही होती हूँ, उसके बाद खुद से याद करने की कोशिश कीजिएगा। लाइक ऐसे कीजिएगा कि आपने शुरू किया तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो कि इस दिन मैम ने क्या बताया था, ठीक है। अभी देख लीजिएगा क्या कुछ रहा आपका। 1 अगस्त को आपका रहता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। 2 अगस्त की बात करें तो, या फिर बात करें फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त, हर बार फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त मनाया जाता है, वैसे 2 अगस्त को मनाया जाता है आपका फ्रेंडशिप डे। जिस बच्चे ने जुलाई क्लास की डेज देखी है, या फिर वीक मंथली भी देखी होगी, कि उसे एक नेम याद आ रहा होगा कि मैम एक इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे भी तो आपने करवाया था, तो बच्चे वो आपका रहता है 30 जुलाई को। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ये इंटरनेशनल है, ये फ्रेंडशिप डे है जो हमारे इंडिया में मनाया जाता है, ओके। उसके बाद देखिए 4 अगस्त को, 4 अगस्त को बात करें तो US कोस्ट गार्ड, या यहीं से मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ, हमारे कोस्ट गार्ड है उनके हेड कौन है, ठीक है। इंडिया कोस्ट गार्ड के हेड कौन है, के नटराजन है, आपको याद रखना है। चीजें लिंक कीजिए, मजा भी आएगा, पढ़ा भी जाएगा, याद भी रहेगा और पेपर भी निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों 6 अगस्त, 6 अगस्त को बात करें तो हिरोशिमा डे रहता है।
6 और 9, ठीक है, याद रखना है, साथ में याद रखना है हिरोशिमा और नागासाकी। तो 6 को आपका हिरोशिमा और 9 को आपका नागासाकी डे रहता है। 8 को बात करें तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे, जो आपका भारत छोटो आंदोलन था वो कब मनाया जाता है, वो डे 8 अगस्त को मनाया जाता है। अगर 9 अगस्त की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल, ये भी आपका 9 अगस्त को रहता है। 12 अगस्त इसकी बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूथ डे रहता है। अब यूथ डे आते ही बच्चों के माइंड में एक आ रहा होगा यूथ स्किल डे, तो बच्चे वो आपका आता है 15 जुलाई को, ठीक है, किसके बाद आता है 12 जुलाई, 12 जुलाई को आपका क्या रहा, मलाला डे। अब मलाला डे की बात करें तो यहीं से एक क्वेश्चन आता होगा कि जुलाई में 2% के नेम पे रहता है नेल्सन मंडेला डे, वो आपका कब रहता है बच्चों, वो आपका 18 जुलाई को रहता है, ठीक है, लिंक हो गई ना चीजें, चार पांच चीजें एक साथ। उसके बाद 15 अगस्त को ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे रहता है। 19 अगस्त की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आपके कब रहते हैं, 19 अगस्त को। 20 अगस्त की बात करते हैं तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे और सद्भावना दिवस, तीन दिन रहते हैं 20 अगस्त को। इन वर्ल्ड मॉस्किटो डे, मॉस्किटो क्या होता है, आपका जो मच्छर होते हैं उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, लाइक इनसे भी बहुत डिजीज रहती है। इंडियन अक्षय ऊर्जा डे और तीसरा क्या रहा आपका, सद्भावना दिवस, ओके। उसके बाद देखिए बच्चों 23 अगस्त, 23 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे फॉर द Remembrance of the slave trade and its abolition. तीसरा दूसरा रहता है यूरोपियन डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर विक्टिम्स ऑफ स्टेलिनिज्म एंड नाजीज्म, ओके। 26 अगस्त की बात करें तो वुमेन इक्वालिटी डे रहता है। 29 अगस्त को आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे रहता है। 30 अगस्त को आपका स्मॉल इंडस्ट्री डे रहता है। इतनी चीजें आपको डेट से याद करनी है। अब सबसे पहले यही कि कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी इंग्लिश में, तो बच्चों एक सिंपल सी बात देखिएगा, आप एग्जाम की तैयारी करिए, गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो हम तो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी में कहीं ना कहीं इतनी नॉर्मल इंग्लिश में आपको दिक्कत आ रही है ना, तो बच्चे सच में दिक्कत की बात है, परेशानी की बात है, आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए। सपोज करो यही वर्ड मैं हिंदी में ले आऊं, आपको हिंदी पहले से आती है, क्या होगा, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ से आपकी इंग्लिश भी तो इंप्रूव हो रही है, पॉजिटिव पॉइंट्स देखो, उसी को माइंड में मत बिठाए रखो कि यही आता है तो यही आता है, कुछ ज्यादा सीखने की चीजें कोशिश करो, ओके। अब हम देख लेते हैं इसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारे बात करते हैं एमसीक्यूज फॉर्म के, जो क्या रहेंगे आपके रिवीजन बेस्ड रहेंगे। देखिएगा हाल ही में निधन हो चुके राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता का नाम क्या है। अगर बात करते हैं हमारे क्लास का रूल रहता है कि पांचों के पांचों ऑप्शंस क्या होते हैं आपके हाल ही में करंट अफेयर्स में रहे होते हैं, और लाइक इसमें हमने क्या पूछा है, मृत्यु या निधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अगर इसकी बात करें तो ओबिचुरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओबिचुरीज से रिलेटेड रहा, तो ओबिचुरीज ये पांचों के पांचों कहीं ना कहीं इनका निधन हुआ है। आपको यहाँ से एक पर्सन को चुनना है जो हाल ही में क्या थे, राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे, तो उनका नाम रहा अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह क्या थे बच्चों, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और सांसद रह चुके हैं। अदर के चार नेम देख लेते हैं जो हाल ही के चार पांच दिन की है, अनिल मुरली, ये क्या थे, मलयालम एक्टर थे। सोनम तैशरी लपाचे, अगर इनकी बात करते हैं तो फोक म्यूजिशियन और पद्मश्री अवार्डी थे, पद्मश्री अवार्डी यही ने इंपॉर्टेंट बना देता है। कुमकुम की बात करें तो ये वेटरन बॉलीवुड एक्टर थी। अगर बात करते हैं परवेज खान की तो ये बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर थे, काफी इनका तो नाम सुना भी होगा काफी बच्चों ने। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बच्चों आपका क्या रहा, एक मिनिस्ट्री की बात की गई है, मिनिस्ट्री की बात करें तो मंत्रालय, उसने क्या है हाल ही में आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है। ज्यादा घूमना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन यही बनेगा स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त करने वाला मंत्रालय कौन सा है, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा ये हो गया कि अभी जिस मंत्रालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है वो किसके लिए किया है, तो वो किया है आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए, जो छात्रवृत्ति योजना थी उसके लिए किया है, ठीक है। तीन चीजें याद रखनी है, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर बनता है बच्चों वो आपका बनता है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा सर, ठीक है। जब भी मिनिस्ट्री का नेम आ जाए ना, न्यूज बाद में देखनी है, सबसे पहले तो दो चीजें उसकी याद रखनी है आपको, सबसे पहले तो ये कि वो कौन से मिनिस्टर के अंडर आती है, उसके बाद उस मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ठीक है। बार बार मिनिस्ट्री के नेम आएंगे, बार बार वो चीजें पढ़ोगे ना याद हो जाएगा, स्टैटिक चेंज नहीं होता, स्टैटिक तो रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, तो
मिस्र कौन है, अर्जुन मुंडा सर है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ क्या है इनकी, खुंटी झारखंड है ओके। उसके बाद देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो ऑप्शन में चार थे उनको डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आपके मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के अंडर आती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मोरेना मध्य प्रदेश रही। उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके रविशंकर प्रसाद सर के अंडर आती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी पटना साहिब बिहार रही। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये आपकी थावरचंद गहलोत के अंडर आती है और कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा एमपी है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सर के अंडर आती है और चांदनी चौक न्यू दिल्ली है। डॉक्टर हर्षवर्धन नेम देखते ही जिन बच्चे अच्छे से नहीं देखते, ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट देखी है जिन्होंने, एक कंफ्यूजन रहेगा कि मैम डॉक्टर हर्षवर्धन सर के मिनिस्ट्री तो अंडर कुछ और आती है, आएगा ना डाउट में, क्योंकि ये तो हमने कुछ किसी और के साथ पढ़ा था। तो बच्चों ये आपके हेल्थ फैमिली मिनिस्टर रहे, और अगर इनकी बात करते हैं तो इनके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी आती है। छुपे हुए क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये नहीं आएगा जो ऑलमोस्ट न्यूज में रहता है कि आपके फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, हर्षवर्धन सर है। अगर वही क्वेश्चन पूछ ले कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस किसके अंडर आती है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो याद रखना है सारी चीजें एक साथ, तो चांदनी चौक न्यू दिल्ली इनकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा, हाल ही में सिडबी, अगर सिडबी की बात करें, बैंक रहा आपका, सिडबी ने क्या किया है, एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। सिडबी ने इस पोर्टल को किसके साथ लॉन्च किया है, सिंपल सा रहा, अगर हम बात करते हैं बच्चों सिडबी की, उसने क्या किया है, अभी एक अदर अगर बात करते हैं कोई पार्टी रही उसके साथ मिलकर क्या किया है, एमएसएमई सक्षम एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपको बताना है बच्चों कि वो पोर्टल कौन सी किसके साथ मिलकर सिडबी ने लॉन्च किया है। तो यहां से अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट देख लीजिए, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफा है, दो चीजें याद हो गई, स्टैटिक कवर हो रहा है आपका, ठीक है। सिडबी का याद रखना है, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, चेंज नहीं होने वाला है, याद कर लो, चेयरमैन है, एक बार बदलेंगे उसके बाद काफी टाइम लग जाता है, तो याद कर दिया करो ओके, मोहम्मद मुस्तफा है। उसके बाद अब देख लेते हैं करंट अफेयर की अगर हम बात करें, तो सिडबी ने क्या किया है बच्चों, एमएसएमई सक्षम रहा वो ट्रांस यूनियन सीबिल के साथ मिलकर लॉन्च किया है ओके। उसके बाद देखिए बच्चों अमेजोन पे, अमेजोन पे जो हमने न्यूज में देखा उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं एग्रीमेंट, तो इसने टाई अप किया है एको के साथ किया है, क्यों किया है, जो ऑटो इंश्योरेंस है उसे सेल करने के लिए। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो एनएसटीसी क्या रहा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है पार्टनरशिप, क्यों, यूथ को ट्रेन करने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसने एग्रीमेंट किया है यूबीआई के साथ, क्यों किया है, डिस्ट्रीब्यूट लेटर्स पॉलिसीज ओके। अगर बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या किया है, लेटर पॉलिसीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एलआईसी ने क्या किया है, एग्रीमेंट। आईआईटी कानपुर की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के साथ किया है, क्यों, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब यहां से बच्चों एक चीज आपकी हेल्प के लिए बता देती हूँ, जो आईआईटी कानपुर है ना काफी न्यूज में रह रहा है, और दूसरा जो आपका है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको स्टैटिक पोर्शन याद रखकर चलना है, जब एग्जाम होना एग्जाम से एक दिन पहले दो तीन बार रिवाइज कर लेना कि अभी इसके प्रेजेंट कौन है, ये कहां पर सिचुएटेड है, ठीक है, इससे चीजें दो तीन चीजें, और ये करंट अफेयर से ऑलमोस्ट जो चीजें लॉन्च कर रही है ओके। अब हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा, अभी क्या है ब्रिक्स, अगर बात करते हैं हम ब्रिक्स, ठीक है, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसने क्या किया है, अभी इसकी सिक्स्थ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग हुई है, छठवीं अगर बात करें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है। सिंपल सा रहा कि अगर बात करते हैं सिक्स की कौन सी 2020 की, तो उसकी मेजबानी किसने की है, लाइक उसे होस्ट किसने किया है, आपको वही बताना है। तो देखिए बच्चों अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो आपका रहा रशिया, रशिया मॉस्को रूबल, एक चीज याद रखनी है, रशिया मॉस्को रूबल, रशिया आ गया, करंट फिर बाद में देखनी है, पहले स्टैटिक पोर्शन उसका कवर कर दो, रशिया मॉस्को रूबल, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर बात करते हैं अभी हाल ही में रीइलेक्टेड थे, तीसरी बार इलेक्ट हुए थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रशिया मॉस्को रूबल की, अब ब्रिक्स समिट देख लेते हैं, आपका ब्रिक्स से रिलेटेड यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, लिखवा के ले लो अगर ब्रिक्स का क्वेश्चन बनता है तो। ब्रिक्स की समिट्स होती है जो इस बार हुई थी, सबसे पहले क्या है आपकी 2020 की जो 12th रहेगी वो रशिया, ठीक है, 12th रशिया में थी और 2020 रशिया में ही रहा है, ठीक है, यहां से चीजें कंफर्म हो गई, ठीक है। 2020 ब्रिक्स समिट आ जाए तो आपको क्या करना है, आंसर रशिया लगाना है, ठीक है।
अब देखिए बच्चों आगे पीछे का एग्जामिनर क्या है, अगर बच्चे जैसे जैसे क्या हो रहे हैं कि माइंड से खेलने लग रहे हैं ना, शाने हो रहे हैं कि बस यहां से बनना है तो ये पढ़ो इतना होगा, वैसे एग्जामिनर भी शाना होता जा रहा है। वो क्या कर रहा है, आगे पीछे का पूछ रहा है। जैसे अभी अगर बात करती हूँ ब्रिक्स समिट की, तो 2019 के एग्जाम से ना उसमें 2019 की ना पूछ के उसने 2018 की पूछ रखी थी, 2021 की पूछ रहा था, वो आगे पीछे कर रहा था। तो याद रखनी है ब्रिक्स समिट जो 2018 की हुई थी, 10th हुई थी, वो साउथ अफ्रीका ने हेल्ड की थी, 2019 की ब्राजील ने की थी, 2021 की कौन करेगा, 13th नंबर की रहने वाली है, वो हमारा प्यारा भारत करेगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग की, तो 2020 तो रशिया ने की है, और जो 5th रही थी आपकी, 5वीं रहेगी, वो कौन करेगा, किसने की थी आपकी, अफ्रीका ने की थी। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अभी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रहा, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे हाल ही में देश के प्रधानमंत्री के रूप में आइवरी कोस्ट, ओके आइवरी कोस्ट इसको जिसे कहा जाता है, उसके क्या है बच्चों अभी इलेक्ट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर, जो इसके पहले क्या थे डिफेंस मिनिस्टर थे आइवरी कोस्ट के, अब क्या है वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर लिए गए हैं। आपको उनका नेम बताना है। सबसे पहले तो आइवरी कोस्ट के जो स्टैटिक पोस्ट है वो कवर कर लेते हैं। प्रेसिडेंट है अलसाना क्वेटेरा, कैपिटल है यामोस्क्वारो, और करेंसी है फ्रैंक। ठीक है, करेंसी इंपॉर्टेंट बनने वाली है क्योंकि पहले इसकी अलग थी कुछ और अब क्या है उसने चेंज किया है 2019 में ही, तो फ्रैंक रही। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं आइवरी कोस्ट की, अगर हम बात करें तो बच्चों इसके जो भी हामिद, आपको पर्सन का नेम याद रखना है हामिद बकायोको, जिनको क्या है प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर लिया गया है, जो पहले क्या थे डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, आइवरी कोस्ट के। अब अदर कुछ नेम देख लेते हैं जो हाल ही के क्या है प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है वो तो यही बनता है ओसुका रेपोंडा। उस ओसुका रेपोंडो क्या है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है गैबन की। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है, गैबन की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन रही है आपकी, ओसुका रेपोंडा। उसके बाद देखिए बच्चों जीन कास्टेक्स, वो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। ली हासियन लूंग, वो सिंगापुर के भी क्या है प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, माइकल की बात करें तो ट्यूनेशिया के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा बीजापुर जिले को समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकाशात्मक जिलों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है, स्थित जिला बीजापुर कहाँ है। सिंपल सा क्वेश्चन रहा ये आपका बनता है, अगर बात करें स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। अगर हम बात करें नीति आयोग का एक थिंक टैंक रहा, ठीक है, उसने क्या है अभी ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग निकाली है, जिसमें सबसे टॉप रहा है वो कौन रहा है, बीजापुर रहा है। अब आपको यही बताना है कि बीजापुर जिला कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर बनता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बहगल, गवर्नर अनुसुईया उइके। इतनी चीजें याद हैं। उसके बाद ऑप्शन देखिएगा, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ गवर्नर अनुसुईया उइके, जो क्या है मध्य प्रदेश की भी अभी हाल ही में गवर्नर नियुक्त की गई हैं, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, तमिलनाडु की बात करें तो सीएम एडेपड्डी के पालन स्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं बच्चों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें करंट अफेयर की तरफ तो आपको दिख रहा होगा UAE। ठीक है, अगर बात करते हैं अरेबियन, अगर बात करें इसकी तो ये क्या है फर्स्ट अरब नेशन बन गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है, कंफ्यूज मत होना, चीज पर ध्यान देना जो मैं बोल रही हूं। पहला अरब राष्ट्र, वर्ल्ड में पहला नहीं, देश में पहला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहला अरब राष्ट्र बना है। ओके, अरब में ऐसा पहला राष्ट्र बना है यूएई, जिसने क्या है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यूएई बिकम फर्स्ट अरब नेशन टू ओपन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। कौन, यूएई अरब में से पहला नेशन बना है जो जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका किया है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आपके अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो सबसे पहले कहां पर लगा था न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों फर्स्ट जो सबसे अगर ओल्ड की बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जो हॉली मतलब पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर जिसमें काम होता था वो तो आपका है स्विट्जरलैंड में, और सबसे पुरानी अगर बात करते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की तो वो आपका कहां रहा, सोवियत संघ, सोवियत यूनियन में। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, हिस्ट्री के भी है और स्टैटिक के भी है। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर, सबसे पुराना क्वेश्चन आ जाए सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां है तो वो आपका है सोवियत यूनियन में, और सबसे अगर बात करते हैं हॉली ऑन्ड जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट था, सबसे मतलब सारा काम जिस पर न्यूक्लियर पे बेस था वो आपका कहां बना था, तो वो आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब यहां से देखिए बच्चों
कुछ चीजें जो यहां से याद करेंगे, अबू धाबी में ब्रात परमाणु संयंत्र की इकाई एक को खोलने के बाद 31 जुलाई 2020 को क्या किया, चालू किया गया। तो सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है, ये कहां पर हुआ है आपका, ये आपका हुआ है, इसका नेम क्या रखा गया है, ब्राक न्यूक्लियर प्लांट। ब्राक न्यूक्लियर प्लांट इसका नेम रहा है जो अबू धाबी में रहा है। और अगर इसके सेंटर की बात करते हैं तो ये साउथ कोरिया, जो साउथ कोरिया रहेगा ना बच्चों, उसकी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और इसको क्या है, ये आपका अल दफरा रीजन ऑफ अबू धाबी के वहां पर सिचुएटेड है, कहां पर, अबू धाबी के अल दफरा में, और इसका नाम क्या रहा, ब्राक न्यूक्लियर प्लांट। इतनी चीजें याद रखनी है। अब यूएई की बात करते हैं, कैपिटल अबू धाबी है और दिरहम यहाँ पर करेंसी चलती है। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, छह महीने पहले ही ये इलेक्ट किए गए थे, तो याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कोना कोना उम्मीद आपको दिख रहा होगा, ये बच्चों क्या है, एक स्कीम है। अगर बात करते हैं, एक कैंप है जो 2 महीने का कैंप रहने वाला है, ये किसका रहेगा बच्चों, ये रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें जो 2003 में फाउंड किया गया था, उसने क्या है अभी एक 2 महीने का कैंप लॉन्च किया है, जिसका नेम क्या रहा, कोना कोना उम्मीद, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या किया जाएगा बच्चों, बहुत ही सस्ती दरों पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ऋण प्रोवाइड किया जाएगा, स्कीमें रहेंगी, चीजें दी जाएंगी, जो भी सर्विस है वो बहुत कम, मतलब एज यूजुअल जो रहता है उससे बहुत प्राइस में रहेंगी। और वो किसने किया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने 2 महीने के लिए कैंप लॉन्च किया है, और इसका नेम क्या रहा, कोना कोना उम्मीद, ठीक है। अगर इसके लिए बात करें तो इसने क्या किया है, 100 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ क्या किया है, आपस में एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत क्या है, ये उन चीजों को प्रमोट करेगा, सेल करेगा, ओके। अब यहां से कोटक महिंद्रा बैंक से याद रखना है, ये 2003 में एस्टेब्लिश रहा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, MD CEO उदय कोटक है। और अगर हम बात करते हैं टैगलाइन की, टैगलाइन जो बैंकिंग के एग्जाम बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, लेट्स मेक मनी सिंपल, ये उसकी टैगलाइन रही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, मास्क की वजह से वैसे पर्सन का नेम चेहरा नहीं दिख रहा है, बट अगर बिना मास्क के देखो तो ऑलमोस्ट बच्चा, छोटे बच्चे पहचान जाते हैं, लुइस हैमिल्टन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मर्सिडीज के, जो अगर बात करते हैं, एक रेसर रहे जो कार चलाते हैं, तो इन्होंने क्या है, इस बार 3 अगर बात करते हैं F1 रेस जीती है, Formula 1, F1 कहते हैं Formula 1 को, ठीक है। कौन सी जीती है, अभी दोबारा इन्होंने क्या है, एक ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है, कौन सी, ब्रिटिश की, ठीक है। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने Formula 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, और पहले दो मैंने पढ़ा दिए हैं, आपको याद होगा 2020 हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स, 2020 सीरियन, तो तीनों एक साथ याद कर लो, लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश हंगरियन सीरियन, ब्रिटिश हंगरियन सीरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, आपका लुइस हैमिल्टन ने जीता है, खत्म, न्यूज इतनी थी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो आपकी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 हुई थी वो कहां पर हुई थी आपकी, वो सिल्वरस्टोन सर्किट यूके में हुई थी, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपके क्या रहे, नेक्स्ट आपको पर्सन दिख रहे होंगे, अगर हम बात करते हैं इनकी, कौन है ये, पीयूष गोयल सर, काफी न्यूज में रह रहे हैं, चर्चित पर्सन है। पीयूष गोयल सर की बात करें तो ये आपके केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, ठीक है, इंडस्ट्री और कॉमर्स, अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। इन्होंने क्या किया है बच्चों, CII के साथ नेशनल डिजिटल एक कॉन्फ्रेंस रखी है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको यही रहा है, इसे इनोग्रेट किया था कि CII, अगर CII की बात करें, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत कॉन्फ्रेंस। तो क्वेश्चन यही बनेगा आपका, ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज किसने की है, CII ने। CII क्या है, ये आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। और दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है, और डीपली अगर एग्जामिनर पूछता है, तो CII ने किसके साथ किया है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंटरनल ट्रेड, DPIIT के, और इसे इनोग्रेट किसने किया था, पीयूष गोयल सर ने किया था। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये आपको ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा, अगर किसी कोई मैच का काफी शौकीन है क्रिकेट का, तो IPL मैच में काफी इन्होंने इन्हें देखा होगा। तो इन्होंने क्या अभी अचानक से लिया है, उम्मीद नहीं थी, तो इन्होंने क्या है, संन्यास ले लिया है क्रिकेट के सभी अगर बात करें प्रारूपों से। तो इनका नेम क्या रहा बच्चों, रजत भाटिया इनका नेम है। तो देखिए बच्चों, दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी रूपों से क्या है, सेवानिवृत्त की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन बनेगा, रजत भाटिया किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं,
पढ़ा होगा तो याद होगा, देखा होगा तो याद होगा, अदरवाइज ब्लैंक। ठीक है, तो याद रखना है रजत भाटिया कौन है, एक क्रिकेट से संबंधित रखते हैं, क्रिकेटर हैं ये। अब यहाँ से देखिए बच्चों, ये कहाँ कहाँ पर अगर बात करते हैं, दिल्ली डेयर डेविल्स में, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राइजिंग पुणे सुपर, अगर बात करें जॉइंट्स के लिए खेले गए सभी आईपीएल में नियमित थे, मतलब उनमें खेलते थे। तो यहाँ से जो बच्चा आईपीएल के मैच देखता है ना काफी, मतलब इन सबका पता है उनको तो पता होगा, और जिनको नहीं पता वो देख लो, याद रखना है आपको इनका नेम क्या रहा, रजत भाटिया जो एक क्रिकेटर थे और हाल ही में संन्यास ले लिया। अब हम देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट टू यू आर ऑल आर अपकमिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इन्होंने आंसर किया था तो देखिएगा, रमन ठाकुर, सपना सपना, हर्ष सैनी, कीवी खन्ना, मैसी, मिनीश कुमार, प्रीति लोचाप। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल। और भाई मैसी, लियोनल मैसी, मैसी नाम ही है या वो लियोनल मैसी नेम सुना होगा आपने, काफी बड़े फुटबॉलर हैं शायद उनके नेम पर, जो भी है भी, अगर असली नेम है तो बढ़िया, अगर नहीं है तो चेंज। ओके, सो हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि इन्होंने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या। आई थिंक ये मैंने दोबारा पूछ लिया, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, जो दुनिया के सबसे बड़ी मानवीय संस्था है, भूख को संबोधित करती है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। WFP की बात करें तो यह इसके अनुसार हर साल 83 कंट्रीज में क्या करती है बच्चों, 91.4 मिलियन लोगों को यह भोजन सहायता देती है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में रहा, 1961 में फाउंडेड है। हेड कौन है, डेविड बेसले और एड्रियन कजन इसके क्या है, हेड है। इतनी चीजें याद रखनी है। अब आज का क्वेश्चन देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज SSC, SSC क्या है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, SSC का नेम आती है आपको याद रखना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, SSC मिनिस्ट्री के अंडर आता है, शायद अब बच्चों को सुना होगा, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अभी इसके हेड कौन है, ये कब फाउंड किया गया था, इसके अंडर कौन से एग्जाम्स रहते हैं, आपको सब देख कर आना है। ठीक है, अब अगर SSC का फॉर्म भरो ना तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। और PDF की बात करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, GK/PradeepSir सर्च कीजिए, वहां पर आपको एज इट इज इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इफ यू एक्चुअली लाइक इट देन प्रेस द लाइक बटन। और अगर अगर बात करते हैं किसी, अगर बात करें प्रॉब्लम की, कोई समझ में ना आई हो चीज, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।